बैतूल में 18 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित जिला अस्पताल भवन की पोल पहली ही बारिश में खुल गई है। बारिश के चलते जगह जगह से पानी की धार बहने लगी है और महिला वार्ड में पानी भर गया है, जिस अस्पताल भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन के माध्यम से पानी बिल्डिंग के अंदर आया है, करंट फैल जाता है तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी कुछ देर पहले यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई और अस्पताल के कॉरिडोर में पानी भर चुका है यहाँ पे। खैर ये तो अभी पता लगाना मुश्किल है कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है। ये शायद इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर जहाँ से निकले हुए वहाँ से पानी शायद मेडिकल फीमेल वार्ड और मेल वार्ड के बीच में जो कॉरिडोर है उसमें पानी भरा है। खतरनाक तो हो सकता है बिकॉज क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वायर्स गए हैं वहाँ से पानी आ रहा है। बारिश कल रात को जो हुई है इसमें हमने काफ़ी सारे जगह चेक भी कराया था, कोई स्थिति निर्मित तो नहीं हो रही है। जिला अस्पताल का जरूर सूचना आया था कि वहाँ पर छत से काफ़ी पानी जो है वो कलेक्ट होके नीचे वार्डों में चला गया था। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए मैंने SDM बैतूल को निर्देशित किया है और PIU के जो टीम है उनको भी भेजा हुआ है। अभी सामने यही आ रहा है कि जो एक दहलीज होता है वो नहीं होने से पानी पूरा नीचे रिसना हो गया। पहली बारिश है और ये बिल्डिंग अभी फिलहाल लोकार्पण हुआ है तो कुछ चीज़ें हमें रेक्टिफाई करानी पड़ेंगी और वो हम देख के अभी रेक्टिफाई करा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बाद रेक्टिफिकेशन के बाद और कोई दिक्कत नहीं है।